अगला क्वेश्चन इसका बी नंबर देखिए, कह रहा है एक लंब वृत्तीय बेलन के आधार की परिमिति या परिधि भी कह सकते हैं दिया है 132 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 25 सेंटीमीटर है, तो बेलन का आयतन निकालना है। चलिए बेलन की आधार की त्रिज्या यानी बेलन की त्रिज्या लिख लेते हैं, बेलन की त्रिज्या हम लोग आर मान लेते हैं, बेलन की त्रिज्या को क्या मान लेते हैं आर मान लेते हैं, तथा ऊंचाई, तथा ऊंचाई हमारे पास दिया हुआ है, ऊंचाई जो है उसे h लिख के और बराबर में 25 सेंटीमीटर लिख देते हैं। अच्छा बेलन के आधार की परिमिति दिया हुआ है, बेलन के आधार की परिमिति दिया हुआ है, आधार की परिमिति या परिधि भी कह सकते हैं 132 सेंटीमीटर दिया, जो कि 2 पाई आर के बराबर हो जाएगा 132 सेंटीमीटर, 2 गुना पाई की जगह 22/7 और गुना में आर बराबर में 132 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखिए आर बराबर क्या हो जाएगा 132 गुना 7 और बटा में 2 गुना 22, ठीक है सेंटीमीटर। चलिए 22 से इसको काटते हैं 6 बार में और 2 से इसको काट देंगे 6 को 3 बार में, तो 7 × 3 = 21 हो जाएगा, त्रिज्या आपका कितना आ गया 21 सेंटीमीटर, ऊंचाई दिया ही है तो बेलन का आयतन अब आसानी से नहीं निकल जाएगा। चलिए निकालते हैं बेलन का आयतन क्या होता है, फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर एच, यही ना होता है जी। चलिए तो यहां से निकाल देते हैं, क्या हो जाएगा पाई की जगह पे 22/7, आर का मान है 21 गुना 21 और गुना में एच का मान कितना है आपका 25 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो 7 से इसको काट देंगे 3 में, 22 × 3 = 66 में फिर 21 से गुना करके फिर 25 में गुना करेंगे तो आपका यहां से आ जाएगा इसका कितना आ जाएगा जी, तो आ जाएगा 34,650 सेंटीमीटर क्यूब, आप गुना करके देख सकते हो यही आएगा। चलिए क्वेश्चन